छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, जहां 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान इस समय चल रहा है, लेकिन यहां वोटिंग से ज्यादा चर्चा बैटिंग की हो रही है। जी हां, महादेव बैटिंग ऐप को लेकर सियासी महाभारत जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला और कहा कि बघेल सरकार ने भरोसा तोड़ा है, उन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में रैली के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय सट्टेबाजों का अड्डा बना हुआ है, 30% कक्का खुलेआम सट्टा। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने सभी आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दिया और कहा कि जो बीजेपी में जाता है उसके दाग धुल जाते हैं, ये वोटिंग से पहले साजिश रची जा रही है बीजेपी के द्वारा, महादेव ऐप के नाम पर मुझ पर कीचड़ उछाली जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था और ये कक्का आपका, सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का खुलेआम सट्टा, ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। वो तो व्यंग किया भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि अजीत पवार जैसे भाजपा में गए, ईडी से उसका नाम हट गया, हेमंता विश्व शर्मा छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, शारदा चिटफंड घोटाला में उसका नाम था, वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, नारायण राणे, बहुत सारे नाम हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में महादेव को भी नहीं छोड़ा। एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। आप सभी को कांग्रेस ने विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या, उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है, क्या इनको माफ करेंगे क्या आप? आपके बच्चों को बर्बाद करने वाला काम ऐसे लोगों को माफ करोगे आप? और ये सब किसके इशारे पर हुआ, किसके इशारे पर हुआ, किसके इशारे पर हुआ? उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पहले सजा आप दोगे कि नहीं दोगे? कमल के निशान पर बटन दबा करके कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को करनी है। भाइयों, तो देखा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव ऐप को लेकर। हमने आपको वो भाषण का हिस्सा भी सुनवाया। मैं रुक करना चाहूंगी, जी न्यूज के दो संवाददाता इस समय छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, रविंद्र हमारे साथ मौजूद हैं और रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि त्रिपाठी, आप छत्तीसगढ़ में गाँव गाँव शहर शहर घूम रहे हैं और चुनावी मूड लोगों का समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महादेव ऐप को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। जमीन पर लोग क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है, लेकिन क्या जमीन तक ये महादेव ऐप को लेकर जो बीजेपी हमलावर है वो लोगों तक पहुंचा है कि नहीं? देखिए, पहले एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी मैं एक गांव में हूं और कांकेर विधानसभा सीट है, यहां से आपको बस्तर संभाग शुरू होता है। ये देखिए, 3 बजे का टाइम था पोलिंग का, लेकिन अभी भी लोग लाइन में लगकर मतदान के लिए खड़े हैं। 3 बजे का टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन ये लाइन देखिए, लंबी लाइन, इसमें महिलाएं पुरुष वो भी हैं, महिलाएं बैठी भी हुई हैं, नीचे भी बैठी हैं, दाहिने बाएं दोनों तरफ महिलाएं बैठी हैं, अपना वोट के इंतजार में, अपना हक है उसको दे के जाना है, वोट का हक जो है उसको पूरा करना है। और पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन लगभग 80% पोलिंग हुई थी इस इलाके से, बस्तर ने पूरे छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड तोड़ा था, इस बार लग रहा फिर अपने रिकॉर्ड के आसपास जाएगा। लेकिन जिस मुद्दे की आप बात कर रही हैं, वो मुद्दा ग्रामीण अंचल में बहुत चर्चा में नहीं है। देखिए, गाँव में लोगों को तक अभी ये मामला पहुंचा नहीं है, जहां तक मोबाइल है, जहां तक लोगों को जानकारी है, जो नौजवान है उन तक जानकारी है, शहर थोड़ा सा जो शहरी क्षेत्र है उनमें यह मुद्दा पहुंचा। और करप्शन छत्तीसगढ़ में कोई नया मामला नहीं है, पहले से भी आपने देखा, शराब घोटाले का इशू आया, गोठान घोटाले का इशू आया, कोयला घोटाले का इशू आया, और इसके अलावा सीएम कार्यालय तक
इसकी आंच रही है घोटाले की, जिसमें सीएम के ओएसडी से पूछताछ शराब घोटाले में लगातार ईडी ने की है, तो कहीं ना कहीं घोटाले का जो एक परसेप्शन उन पर लगा है वो चिपका हुआ है। अब देखिए कर्नाटक चुनाव में देख रहा था, वहां बजरंग बली का मामला था, यहां महादेव जी का मामला आया है। तो बीजेपी कोशिश करती है प्रधानमंत्री मोदी अपने जरिए एक वोटर को प्रभावित तो करते हैं तबके को, लेकिन सब तबके को लास्ट में प्रभावित करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं यहाँ देख रहा था किसानी इलाका ज्यादातर, देखिए छत्तीसगढ़ जो किसानों का इलाका है और किसान ज्यादातर जो है कहीं ना कहीं सरकार के काम से खुश दिख रहा है, लेकिन एक तबका है जो नाराज है, उसको कहीं ना कहीं अपने खेमे में लाने के लिए प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं। नौजवान जो खास तौर पे है वो इससे जुड़ेगा बीजेपी के साथ। रवि, मेरे पास थोड़ा सा समय सीमित है और रविंद्र का मुझे रुख करना है। रविंद्र, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किस तरीके से हमला किया, लेकिन भूपेश बघेल को भी कम आंकना जो है वो गलती होगी, क्योंकि भूपेश बघेल जिस अंदाज में जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री को और पूरी की पूरी बीजेपी के ऊपर हमलावर है। आपको क्या लग रहा है, आपका क्या आकलन है, आप वहां जमीन पर मौजूद है? देखिए, एक बात तो आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया, तो पीएम ही बीजेपी के खेवनहार हैं, ये तो तय है। चाहे रवि पूरे छत्तीसगढ़ में घूमा या हम कहीं या आप भी, आपको ही पता है कि पीएम ही खेवन आ रहे, इसलिए मोर्चा वही संभाल रहे, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ हो या फिर भूपेश बघेल के खिलाफ। देखिए, जहां तक महादेव की बात है, तो महादेव एक ऐसा कैची नाम है, प्रधानमंत्री सट्टेबाजी ये सब बात बोलते, महादेव को नहीं छोड़ा, पहले गाय को नहीं छोड़ा, ये बातें किया जाता था बीजेपी द्वारा, अब कहा जा रहा है कि महादेव को नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये पीएम की रैलियों में जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं संदेश अपने गांव कस्बों में लेकर जा रहे हैं, और यही बीजेपी की नीति है कि जितना इसको स्प्रेड कर सके उतना ही उनके लिए बेहतर हो सकता है। और जैसा कि रवि बता रहे हैं कि वोट परसेंटेज इस बार लगभग उतने होंगे, तो ऐसे में बीजेपी, आज रमन सिंह से बात हुई, उन्होंने कहा कि पिछले बार से 2018 में हमारा सुपड़ा साफ हो गया था, इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और उसमें महादेव की काफी भूमिका होगी, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल रवि और रविंद्र, देखिए ये आप सही कह रहे हैं कि महादेव के नाम पर बीजेपी खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर्नाटक चुनाव भी रविंद्र यहां पर याद करना होगा, जहां बजरंग बली के नाम पर कुछ करिश्मा हुआ नहीं था। अब वोटर बहुत समझदार हो चुका है, अपने मुद्दे उसके लिए बहुत अहम है, और आप दोनों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई है वो आप जमीन पर मौजूद हैं, आप महसूस भी कर रहे होंगे। तो अब फिलहाल के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन नजर बना के रखिए, मतदान चल रहा है। रवि, मैं आती रहूंगी आपके पास। जी न्यूज़।